जलेजा नेटा टूंडला मार्ग के स्थित इसौली चौराहा के पास मजिस्ट्रेट हरीश कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस बल के साथ चेकिंग कराई गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एटा टूंडला मार्ग पर बड़ी तादाद में वाहन निकलते हैं, वहीं चुनावी आयोग के निर्देशन के अनुक्रम में यह चेकिंग कराई गई है, जिसको लेकर के मजिस्ट्रेट के द्वारा शक्ति के साथ यह चेकिंग कराई गई, जिसमें बड़ी तादाद में गाड़ियों पर लग रहे अनाधिकृत रूप से स्टिकर हूटर इत्यादि को भी उतरवाया गया है। राजनीतिक दलों के साथ ही साथ अन्य दलों के लोगों के द्वारा चलाए गए स्टिकर व हूटर के साथ ही वाहनों से झंडे आदि को भी उतरवाया गया है। काली फिल्म लगी गाड़ियों के शीशे भी साफ कराए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के द्वारा सख्ती के साथ यह चेकिंग कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में वाहनों के नंबर नोट करने के साथ ही चालान भी किए गए। थाना सकरौली पुलिस के साथ ही बाहरी पुलिस फोर्स मौके पर मुस्तैदी के साथ पूरी चेकिंग व्यवस्था में जुटा रहा। गाड़ियों के अंदर भी अभी सभी डिग्गी खुलवा कर गाड़ियों को अंदर से भी चेक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देशन में भी लगातार पुलिस को सुझाव दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से अवैध असला इत्यादि को लेकर जाने वालों की भी चेकिंग की जाए। वह भी चेकिंग की गई। वहीं हम आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए अवैध मनी के साथ बाहर जाने वाले लोगों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस द्वारा यह किया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस द्वारा सख्ती से यह चेकिंग कराई गई। एटा से मोहित शर्मा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज़।